एक दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर से कोरोना ने अपना रुद्र रूप दिखाया है। कोरोना ने देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वे एसिम्प्टोमेटिक हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति होम क्वारंटीन में हैं, वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी उपराष्ट्रपति के सचिवालय की ओर से ट्वीट कर दी गई है। दरअसल मंगलवार को भारत में एक बार फिर से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 80,472 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 1,179 मरीजों की मौत हो गए, जबकि इससे एक दिन पहले 70,589 नए कोरोना के केसेस सामने आए थे और 776 मरीजों की जान गई थी। हालांकि 24 घंटे में 86,428 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 62,25,000 हो गई है। इनमें से 97,497 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 9,40,000 हो गई है और 51,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 5 गुना ज्यादा है। ICMR के मुताबिक 29 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 7,41,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,00,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई है। राहत की बात तो ये है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.57% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केसेस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 15% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर भी 83% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हो रही है। हाल के दिनों में एक दिन में औसत 90,000 रिकवरी हुई है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 13,00,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।